मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, आज पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उस वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन किया था अबाउट द डिडक्शन, इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका बेसिक्स आपको यानी इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद आपको एक दो एग्जाम्पल्स को उसमें समझाए थे। क्लियर? तो उसी के बेस पर आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि उस पीएमआई की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन अब +1/2n इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n। तो प्रोसीजर आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि हमें कैसे सॉल्व करना था। पहले हम किसके लिए प्रूव करेंगे, इसको हम pn मानेंगे स्टेटमेंट। तो लेट pn सच दैट 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन +1/2 की पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। नाउ 4n इक्वल टू 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए लेंगे। तो p1 सच दैट, p1 में हम LHS लेंगे तो LHS का मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2, RHS लेंगे तो RHS का मतलब क्या बताया था आपको कि RHS में n के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो 1 - 1/2 की पावर 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 - 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। सो pn इज ट्रू, pn का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि p1 such that LHS equal to RHS हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि so pn is true for n equal to 1, तो n equal to 1 के लिए हमारा ये true हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको k के लिए assume करेंगे, तो let pn is also true for n equal to k, तो इसका मतलब क्या हुआ pk such that 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन +1/2 की पावर k इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर k। क्लियर? तो ये हमारा किसके लिए हो गया, k के लिए। अब हमें क्या करना है, इसी को k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। क्लियर? तो p k प्लस 1 सच दैट, तो इसमें क्या करना है ना, k वाले में एक टर्म और ऐड करना है, तो कितना आएगा 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन 1/2 की पावर k। ये तो k टर्म हो गए हमारे, इसमें एक टर्म और ऐड करना है, तो एक टर्म और क्या आएगा 1/2 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ RHS में k के प्लेस पर k प्लस 1 रख दीजिए, तो 1 - 1/2 की पावर k प्लस। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, LHS हमारा कितना हो गया 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कितना 1 - 1/2 की पावर k, और प्लस इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको हमें प्रूव करके RHS लेके आना है, तो कितना आएगा 1 - इसमें से LCM ले लेते हैं, तो कितना आएगा 1/2 की पावर k -1/2 की पावर k प्लस 1 को कितना लिख सकते हो 2 × 2 की पावर k लिख सकते हैं। क्लियर? तो LCM हमारा कितना आया 1 - 2 की पावर 2 × k यानी 2 की पावर k प्लस 1 LCM आएगा, तो इसमें क्या नहीं है, तो 2 - 1 ये हो गया 1 - 2 - 1 कितना हुआ 1/2 की पावर k प्लस 1, तो इसका मतलब यही हमारी क्या है RHS आ गई। क्लियर? सो pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू
प्लस वन, तो इट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर पीएमआई, दिस इज बाय पीएमआई, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 प्लस 3 अपॉन 1 इनटू 1 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस इनटू 1 प्लस 7 अपॉन 9 इनटू एंड सो ऑन इनटू 1 प्लस 2 एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल. तो स्टूडेंट आपने अभी तक जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें हमने बीच में प्लस का साइन होता था, लेकिन आपकी बात क्या है, हमारा इनटू है. तो अगर हमारा सम है तो हम सम के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी हमने k प्लस 1 के लिए जब प्रूव करते हैं तो k प्लस 1 के लिए हम k प्लस 1 टर्म ऐड करते हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में है इसलिए हम k प्लस 1 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 के लिए. तो क्या प्रोसीजर आपका वही है, हमने पी एन मान लिया इसको स्टेटमेंट को 4n इक्वल टू 1, तो कितना आएगा पी वन सच दैट कितना एक टर्म ले लिए तो 1 प्लस यानी एल एच एस ले लिया हमने 1 प्लस 3 अपॉन 1 तो कितना हुआ ये 1 प्लस 3 दैट इज 4 और RHS हमारा कितना हुआ RHS हमारा हुआ कितना 1 प्लस यानी n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो इट मींस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इट मींस 4 इट मींस P1 सच दैट गोइंग आ गया LHS इक्वल टू RHS तो इट मींस PN इज 2 4n इक्वल टू 1 यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P1 इज 2. क्लियर. नाउ 4n इक्वल टू k के लिए लेंगे हम तो क्या माना P k सच दैट कितना 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 एंड सो ऑन 1 प्लस 2 k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये हमारा हो गया किसके लिए k के लिए हमने इसको एज्यूम कर लिया. नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर k प्लस 1. नाउ वी हैव टू प्रूव 4n इक्वल टू k प्लस 1. तो क्या करना है pk प्लस 1 सच दैट कितना वही k वाला पूरा एडिटिव लिख लीजिए वही तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 एंड सो ऑन 1 प्लस कितना 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इनटू अब इसमें k प्लस 1 टर्म मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू हमारा कितना आ जाना चाहिए k प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह k प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाना चाहिए हमें ये प्रूव करना है. ठीक है तो कितना आएगा इसमें k के प्लेस पर k प्लस 1 रख दिए तो ये आएगा 1 प्लस k के प्लेस पर अगर k प्लस 1 रखते तो 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो हमें इसको सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है क्योंकि इनटू में है इसलिए हमने k प्लस 1 टर्म जो है वो मल्टीप्लाई किया है. तो अब हम इसको LHS लेंगे तो LHS कितना हुआ 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 एंड सो ऑन 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर और 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर. क्लियर. तो यहां से और यहां तक हमारा कितना बन गया ये बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर. बस अब इसको हमें सॉल्व करना है तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू एलसीएम कितना है यहां पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये हुआ k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 इससे ये कैंसिल हो गया इसको सॉल्व कर लिया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 तो ये आ गया आपका k स्क्वायर प्लस 2k 2k 4k प्लस 3 और 1 4 तो ये हमारा जब फैक्टराइज करोगे तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर और यही आपकी आरएचएस आपको प्रूव करनी थी. हेंस
by PMI मतलब PK plus 1 true हो गया, so hence by PMI PN is true for all. Clear? Next example is using PMI principle of mathematical induction for all n belongs to capital N, it means natural number. Prove that 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. स्टूडेंट अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारी एक LHS होती थी, एक RHS होती थी, तो हम LHS को RHS में लेकर सॉल्व करते थे. मीन्स LHS में वन टर्म लिया तो उधर वन के लिए प्रूव करना है, के टर्म लिए तो उधर के रखना था, के प्लस वन टर्म ले रहे इधर तो उधर के प्लस वन, के की प्लेस को के प्लस वन आ जाना चाहिए. बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें LHS RHS नहीं दिया हुआ है, केवल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई 11. तो हमारा क्या PN मान लिया हमने इसको स्टेटमेंट को कि PN दिस वन इज डिविजिबल बाय 11. तो क्या करना है, प्रोसीजर हमारा अभी भी वही है, प्रोसीजर हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है. तो फॉर n इक्वल टू 1 तो क्या लिखना है हमें P1 सच दैट. अब इसमें हमें n के प्लेस पर 1 रखना, हमें LHS RHS की जरूरत नहीं है. तो 10 की पावर 2 into 1 minus 1 plus 1 कितना आएगा हमारा, दैट इज कितना 10 की पावर 2 माइनस 1 तो कितना बच गया 2 प्लस 1, इट मींस कितना आ जाएगा दैट इज 11, और विच इज इक्वल टू लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? तो विच इज, तो कितना आया हमारा P1 सच दैट 11 इज डिविजिबल बाय 11. क्लियर? सो PN is true for n equal to 1. तो 1 के लिए हमारा प्रूव हो गया ये. क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसको k के लिए लेना है. तो लेट PN is true for n equal to k. तो इसका मतलब क्या आएगा, PK such that कितना 10 की पावर 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11. और स्टूडेंट आपने देखा होगा, आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था कि जो क्वेश्चन आपने किए थे कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो वहां पे हम मानते थे कि उसको p by q या a by b की फॉर्म मानते थे. फिर हम दिखाते थे कि a is divisible by 2 या 3 जो भी आ रहा है, तो उसको हम a equal to 3c लेते थे, याद आया कुछ, या 2c लेते थे अगर रूट 2 को प्रूव करना है. तो अगर ये डिविजिबल बाय 11 है तो हम यहाँ मान सकते हैं कि 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, और इनटू कोई भी एक अल्फाबेटिक वैल्यू ले सकते हो जिसको अननोन वैल्यू क्वांटिटी बोलते हैं. तो n और k, क्योंकि यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ पे हम k के लिए यूज करते हैं, तो इन दो को छोड़कर आप कोई भी ले सकते हो. मान लीजिए आपने d ले लिया, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 11 डी माइनस 1. इसको इक्वेशन बनना है. क्लियर? अब हमें क्या प्रूव करना है, उसको k प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स. तो क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो कितना आएगा pk plus 1 such that, तो जहां आपका n है वहां n के प्लेस पर अब की बार k plus 1 लिखना है. तो कितना आएगा 10 की पावर 2 into k plus 1 minus 1 plus 1, इसको आपको divisible by 11 दिखाना है. क्लियर? तो इसको हम लेकर चलेंगे, कितना आएगा 10 की पावर 2k plus 2 minus 1 plus 1. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 को अलग कर दें इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1 लिख दे प्लस 1. अब कहोगे कि हम तो यहाँ 2k प्लस 1 ही तो लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको. क्लियर? तो कितना आएगा, ये हो गया हमारा 100 इंटू, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, कितनी होगी इसकी वैल्यू 11d माइनस 1 और प्लस 1. तो ये आ गया 100 इंटू 11d माइनस 100 प्लस 1. तो ये बचा 100 into 11d minus 99, और ये आ गया 11, इसमें से कॉमन आ सकता है, कितना बचा 100d minus 9,
और ये आ गया 11 इंटू, अब ये वैल्यू हमारी कुछ भी हो, इसको आप चाहो तो कोई भी मान सकते हो, m बेहद m इज अ एन इंटीजर, कुछ भी मान सकते हो, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्लियर। वैसे ये पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया विच इज डिविजिबल बाय 11, क्लियर। इसका मतलब पी के प्लस वन क्या हो गया हमारा, सच दैट 11 एम विच इज डिविजिबल बाय 11, सो पी एन इज ट्रू फोर एन इक्वल टू के प्लस वन, हेंस बाय पीएमआई, पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू फोर ऑल, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, प्रूव दैट 41 टू द पावर एन माइनस 14 टू द पावर एन इज डिविजिबल बाय 27। तो स्टूडेंट ये भी उसी के जैसा एग्जांपल है, पी एन मान लिया आपने, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट फॉर एन इक्वल टू 1, पी 1 सच दैट कितना, इसके प्लेस पर हम एन के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, तो इसका मतलब कितना हुआ ये 41 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 27, सो डिविजिबल बाय 27 आ गया, तो इसका मतलब पी 1 सच दैट कितना आया 27 विच इज डिविजिबल बाय 27, क्लियर। सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, नाउ लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, और के के लिए मानेंगे तो कितना आएगा पी के सच दैट 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के इज डिविजिबल बाई 27, और अगर 27 से ये डिविजिबल है तो कितना आएगा 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के इक्वल टू 27 इंटू डी। अब यहां से कोई से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसी भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही निकालोगे तो इजी आ जाएगा। 41 की पावर के को लिख दिया आपने, 27 डी माइनस की जगह इधर आके प्लस हो जाएगा 14 की पावर के, इक्वेशन नंबर इसको हमने बनना है, क्लियर। नाउ वी हैव टू प्रूव फोर एन इक्वल टू के प्लस, के प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे तो कितना आया पी के प्लस वन सच दैट कितना 41 की पावर के प्लेस पर कितना रखोगे के प्लस वन माइनस 14 की पावर के प्लस वन, अब इसको हमें दिखाना कि ये 27 के मल्टीपल में आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 41 इंटू 41 की पावर के आएगा माइनस, इसको लिख सकते 14 इंटू 14 की पावर के। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 और 41 की पावर के की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, कितना आएगा 41 इंटू 27 डी प्लस 14 की पावर की और माइनस आ गया 14 इंटू 14 की पावर की, इसको हमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 41 इंटू 27 डी प्लस 41 इंटू 14 की पावर के माइनस 14 इंटू 14 की पावर की, तो ये आ गया 41 इंटू 27 डी प्लस, देखिए 14 की पावर की कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया, या हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं 41 में से 14 गया कितना बचा इंटू 14 की पावर के, तो 41 इंटू 27 डी प्लस 41 में से 14 गया 27 इंटू 14 की पावर के। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 27 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 41 इंटू डी प्लस 14 की पावर के, अब ये वैल्यू हमारी कुछ भी आए तो ये 27 बाहर आ रहा है, इट मींस व्हिच इज डिविजिबल बाई 27, सो पी के प्लस वन इज टू, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो पी एन प्लस वन, पी एन इज टू फोर एन इक्वल टू
k plus 1, hence by PMI PN is true for n equal to for all n. क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा PMI का दूसरा पार्ट जो कि हमने एग्जांपल्स लेकर प्रूव किए हैं कि हम एग्जांपल्स के द्वारा यानी क्वेश्चंस को PMI के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं. अब इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन और है स्टूडेंट कि अभी आपने इनक्वालिटी नहीं देखी है तो हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें इनक्वालिटी और एक दो दूसरा टाइप का क्वेश्चन और लेंगे. तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए